अस्सलामुअलैकुम, एक नए व्लॉग के साथ आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज है 13वां रोज़ा और हमने कुछ प्लान किया है, हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए हमने आज इफ्तार पार्टी रखी है। तो आज की पूरी व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी दोस्त आएंगे, बहुत ही मौज मस्ती भी करेंगे, साथ में इफ्तार डिनर करेंगे। तो इस पूरी व्लॉग में आप लोग मेरे साथ रहे, आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम जाएँगे सुपरमार्केट, जा रहे हैं यंगहुई सुपरमार्केट में। यंगहुई सुपरमार्केट में तो अभी हम जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग हमने करनी है। तो ये है यंगहुई सुपरमार्केट, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ आसानी से मिलेगी, घर के लिए या डेली रूटीन के लिए आपको जो चीज़ लेनी होती है तो यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। तो आप लोग ये देख सकते हो कि सफाई के ये लोग कितना ख्याल रखते हैं। इस मार्केट की जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत ही ताज़ा और फ्रेश मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो या फ्रेश जूसेस हो। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, दूध वगैरह, ये सारा पोर्शन आप देख सकते हो, ये सारा यहाँ पे योगर्ट है, यानी हम सिंपली दही, और ये दही भी आपको बिल्कुल फ्रेश दही मिलेगी। तो फ्रूट्स और दीगर कुछ चीज़ें थी वो हम लेके आए हैं। उबेर भाई आप देख सकते हैं शूटिंग कर रहे हैं, और अब बाकायदा तौर पर खाना बनाना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, सब्जी काटने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई। अमर से भी गए तो सलाद कट गई, अमर से सलाद से ही कट करो, ठीक है, सलाद से ही काट लिया, वरना ये बात दिल्ली तक चले जाएगी। तो देखिए हमारे अमीर साहब की कमालात, कितनी खूबसूरती से सलाद बनाई है। ये फैजान भाई रोटी लेकर फहीम भाई आ गया। क्या
ये देखो ये बूढ़े बंदे सारे देखो तक गए फिर आज बसेरा रहमा बसेर तो बिल्कुल होश आवाज में फैसला भी किया है सही बात है।